पर इतने है भी सानू आन से 10 रुपये का खाना मिलता वा, पेट भर के खाने कोई सब्जी कोई मनाई नहीं मिलती है। देखो जी 10 रुपये जो बाहरों एक भठूरा नहीं मिलता है, इतने तार भर के पेट भर के रोटी रोटी मिलती पी है। दस रुपये रखने का साडा यही परपज सीगा कि जिहड़ा भी कोई बंदा आवे वो पैसे दे के भोजन खावे, उहदे नाल है कि जिहड़ी भोजन की बेकदरी है फ्री की वह बेकदरी नहीं हुंदी है। तो हर कोई उन्हें भी पता है कि जी अज मैं पेमेंट कर रहा तो कल भी मैं पैसे दे के ही खाने हैं, वो मन च एक गिल्टी का भाव ना आए। कई लोगों को देखते हैं कि वह उन्होंने दोपहर का खाना भी नसीब नहीं होंगे पूरी तरह, या उन्होंने बहुत दूर दूर जाके खाना पैंता से जिदे करके वह गर्म खाना भी नहीं खा पाते। फिर वैसे एक दिन बैठे सारे मैंबरस बैठे हुए थे, अब साड़ी एक मीटिंग चलती पी सी, उहदे च आपां सोचिया कि क्यों ना एक कंसैप्ट लेके आया जाए। बस उत्थों एक आइडिया आया कि वो सारे लोगों लिए एक रसोई चलाई जाए जिहदे विच आपां सबनों खाना देवांगे, और खाना इदां दा होएगा कि जिहड़ा बिल्कुल घर वर्गा खाना होवे, इदां दा नहीं होएगा कि बहुत ज़्यादा तेल होवे या कुछ होवे, आपां बिल्कुल सिंपल खाना बनाईदा जो कि घर विच बनदा है। खबर लैंदे हां गुरदासपुर तों। नौजवान ने उद्यम किया तो हर वर्ग लई शुरू कर दिती सस्ती रसोई, महज 10 रुपए विच मिलता है दोपहर का पेट भर खाना। दोस्तों वैसे इस तरह दीयां खबरां जदों स्पैशली तौर पर रिपोर्टर कवर करते हैं तो यह उन्हां दी मेहनत हुंदी है, और दूजे पासे मेहनत उन्हां नौजवानों की भी हुंदी है। इन्ने महंगाई के युग के 10 रुपए च खाना मिलना ये अपने आप में एक बहुत वड्डी गल है। इस खबर नूं शुरू तो लैके आखिर तक जरूर वेखना है, और यह सुखद और खुशी भरपूर खबर है। बटाला के नौजवान ने लंगर प्रथा की तरज से एक बार वक् वक् तरह की पहल की, और जिथे लोड़वंद ते बिना किसी भिन्न भेद के हर व्यक्ति के लोगों लई एक रसोई सेवा शुरू की है, जिस दे विच एक जी नूं महज 10 रुपए विच खाना खाण नूं मिलेगा, और खाने के रूप में एक थाली दिती जाएगी। संस्था के लोगों का कहना है कि विशेष तौर पर इस मकसद के नाल सेवा शुरू की गई है कि कोई भी भुखा पेट ना रहे। तो 10 रुपए के वेले परची है, और यह भी किसी नूं महसूस ना होवे वो खाना मुफ्त भी खा सकते हैं। इसे ही रसोई की थाली दे विच एक टाइम के खाने विच 2 सब्जियां चावल अते रोटी, अते किसे नूं ये रोक नहीं है कि वह किन्ना भोजन करे, अपनी लोड़ अनुसार अपना खाना खा सकता है। उते ही जो दिहाड़ी कर रहे लोग जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं उन्हां नूं इस सेवा शुरू करने वाली संस्था का धन्नवाद करदिआं कहा कि इस दे नाल गरीब अते लोड़वंदां नूं सीधा लाभ प्राप्त होवेगा। उते ही इलाके दे लोग भी इस सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं। जो नौजवान इस कार्ज नूं चला रहे हैं उन्हां दा कहना है कि वह करीब 1 साल तो रसोई चला रहे हैं। वेखते हाँ पूरी खबर। प्रदीप कुमार, हाँ जी, काफ़ी हरी आई दा जी, पर इतने है भी सानू आन से 10 रुपए का खाना मिलता वा, पेट भर के खाने कोई सब्जी कोई मनाई नहीं मिलती हैगी, हर एक चीज़ परफेक्ट देंगे ने। 3-4 दिनों तो मैं तो लगातार आ रहा वा, बाकी बहुत चिर खुलिया कम से कम साल हो गया वा, काफ़ी लोग आके खा के जा रहे हैं, दिन के घट्टो घट्ट नहीं 70-80 जने आके खाते पे ने। देखो जी 10 रुपये जो बाहरों एक भठूरा नहीं मिलता है, इतने तार भर के रोटी मिलती पी है। दो सब्जियां मिलदियां, फुलके मिलदे, चावल ढड भर के रोटी मिलदी है, होर सानू किसे दा कम्म ही रखे दा करना है। बड़ी सेवा कर चलो अपने को चलो माड़े मोटे डर के बोल के भी रोटी खानी 10 रुपए तो भी दे।
मैं पंकज बंस। JCI का ही है एक प्रोजेक्ट है JCI रसोई, जिसे असी 10 रुपए का भोजन हर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि 10 रुपए रखने का साडा यही परपस है कि जिहड़ा भी कोई बंदा आवे वह पैसे दे के भोजन खावे, उहदे नाल है कि जिहड़ी भोजन की बेकदरी है फ्री की वह बेकदरी नहीं हुंदी है, तो हर कोई उन्हें भी पता है कि जी अज मैं पेमेंट कर रहा तो कल भी मैं पैसे दे के ही खाने हैं, वो मन च एक गिल्टी का भाव ना आए कि बी मैं फ्री खाना पाया कल मेरे तो कोई कुछ नहीं कर देगा। हाँ, इतने जिन्ना भी स्टाफ है 4 मैंबरस है, 2 किचन 2-3 स्टाफ किचन के है जोड़े सब्जी सुब्जी तैयार करते हैं, एक साढ़े मैनेजर है जिन्होंने सब कुछ मैनेज करना है, इन्हें जिनी भी सैलरी है साढ़े मैंबरों के सहयोग के नाल, जिन्हें भी दानी सज्जन है बटाले के जो भी सानू फंड्स प्रोवाइड करते पे ने उन्हां दे सहयोग दे नाल ही है साडी JCI रसोई चलती पई है। जे तुसीं कहो कि असीं अपने एंड ते इस रसोई नूं चला सकीए वो मुमकिन नहीं है, जो भी हो रहा है बटाले दे जिन्ने भी दानी सज्जन है उन्हां दी सहयोग दे नाल ही हो रहा है, ते असीं उन्हां नूं यही कहांगे कि वह वध तों वध सानू सहयोग करन, ताकि इह जिहड़े असीं हुण अज 50-60-70 मैंबरस नूं लोकां नूं भोजन खवा रहे हैं, इहनूं असीं 500 तों लैके जाइए। मेरा नाम नमन बंसल है। सर, जैसे रसोई साढ़े मन च पिछले साल आप बस एक थॉट आया, कई लोगों वेखते सके कि वो उन्होंने दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुंदा सी पूरी तरह, या उन्होंने बहुत दूर दूर जाके खाना पैंदा सी जिहदे करके वो गर्म खाना भी नहीं खा पाते सके। फिर वैसे एक दिन बैठे सारे मैंबरस बैठे हुए थे, साड़ी एक मीटिंग चलती पई सी, उहदे च आपां सोचिया कि क्यों ना एक कंसैप्ट लेके आया जाए, बस उत्थों एक आइडिया आया कि उह सारे लोगों लई एक रसोई चलाई जाए जिहदे विच आपां सब नूं खाना देवांगे, और खाना इदा का होगा कि जो बिल्कुल घर वर्गा खाना होदा का नहीं होगा कि बहुत ज्यादा तेल हो कुछ हो, बिल्कुल सिंपल खाना बनाई जो कि घर में बनता है। तो गल रही 10 रुपए की, वो इस करके आया कि आप नहीं चाहते सके कि फ्री फ्री हर कोई खाना खा लेगा, पर आप बिल्कुल छोटी जी अमाउंट एक रखना चाहते सी जिदे सबनों होगा कि आप फ्री च नहीं खा रहे, कुछ कमा के उन्होंने दे के फिर खा रहे, एक डिग्निटी बनी रहे, ते इस करके ये चीज़ साढ़े मन च आई, तो बस पिछले साल आप फिर इनू शुरुआत कर दी। हूँ तक आप लगभग मैं रोज़ दे साड़ी एवरेज 70-80 बंद फिलहाल रह रही है, तो आप ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार बंद खाना खिला चुके हैं हूँ तक, तो साढ़ा हले मूड है जो तक भगवान की कृपा रहेगी जो तक साढ़े मैंबर का सहयोग रहेगा तो आप इसनों और अगे तो अगे वधाई जावे, तो जिते 70-80 मैंबर देंदे उन्होंने आप अपने 400-500 जिन्हें हो सकन आप कोशिश है कि उदे तक इनू लेके जाइए। गुरदासपुर तो एवन पंजाबी चैनल लई लक्की राजपूत की रिपोर्ट।